नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर ने बड़ा निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओबीसी कोटा खत्म करने की साजिश रची जा रही है, राहुल गांधी माफी मांगे। तो सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि ओबीसी का कोटा खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, मैं उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ जाए, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस किस को इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अच्छा, एक मिनट बैठ जाए। सर एक सर, मैं क्लैरिटी कर दूँ। सर मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए आप, एक मिनट बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउंड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर मैं उनको बुला लूँगा।